सभी लोगों का स्वागत है। मनीष बागड़िया जी, राजू भैया, उमेश जी, यूएचवी की पूरी टीम और हमारी जो पूरी फैकल्टी है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी का एक तो स्वागत है। मैं थोड़ा सा बहुत सारे कार्यक्रमों और कार्यों के कारण जो है वो सीधा नहीं जुड़ पाया, बीच बीच में जरूर जुड़ता रहा हूँ, कुछ कुछ फीडबैक लेता रहा हूँ। तो आज चौथा दिन है और चौथे दिन तक जो है काफी कुछ चर्चाएं हो गई हैं। कल हमारा जो है वो अंतिम दिन होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो कुछ भी जिस प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ सोचने समझने का प्रयास किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ हमारे संकल्प भी बन रहे होंगे और कुछ हम लोग करना भी चाह रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। हम लोगों ने पिछले 4 दिनों में या 4 दिनों से हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो यदि हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हैं, तो 2020 को, तो उसने भी लगातार इस बात को किया ही है। और इसको 2020 की नीति ने भी क्या किया है, यदि हम राधा कृष्णन आयोग को देखें, मुदलियार कमीशन को देखें और डीएस कोठारी जी की शिक्षा नीति को देखें, 1986 की शिक्षा नीति को देखें, उसके बाद हम 1992 के प्लान ऑफ एक्शन को देखें, तो ऐसा कोई भी नहीं रहा है शिक्षा नीति या कमीशन की जो रिपोर्ट्स है जहां पर हमने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात ना की हो। तो एक तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, तो अभी आपको 3 शब्द दिखाई पड़ते हैं। एक वैल्यू एजुकेशन है, तो वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात की गई है, आयोग में भी की गई है। एक जो रिपोर्ट थी वाईबी चौहान समिति की, जो रिपोर्ट थी मूल्य शिक्षा को लेकर के जो पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुई थी, उसमें भी इस पर काफी विस्तार से बात की गई थी। तो 3 बातें आप लोगों को दिखाई पड़ती हैं। एक तो वैल्यू एजुकेशन लिखा हुआ है, मूल्य शिक्षा, दूसरा लिखा हुआ है मूल्य परक शिक्षा, और तीसरा लिखा हुआ है मूल्य परक जीना। तो कुल मिलाकर के जो जर्नी है हमारी वो मूल्य शिक्षा से मूल्य परक शिक्षा और मूल्य परक जीना, यहाँ तक की हमारी पूरी जर्नी है। अभी जो शिक्षा नीति जो बात कर रही है वो ये कह रही है कि जो वर्तमान में जो हमारा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में हम किस प्रकार से जो मूल्य है उनको समाहित करें, एक तो मुद्दा ये है। दूसरा वो ये कहती है कि हम जो है उस प्रकार की जो केस स्टडीज हैं जहाँ पर कि जो एक वैल्यू बेस्ड लिविंग के आधार पर जो है, जहाँ पर एक प्रकार के हम कहीं हारमोनी में, कहीं संगीत में, कहीं लयताल में जो अलग अलग कम्युनिटीज जी पा रही हैं, जी सकी हैं, उनके बारे में भी हम देखें, ऐसा एनईपी 2020 कहती है। और तीसरा जो है कि क्योंकि स्किल की बात भी लगातार कहती है, तो कुल मिलाकर के जिसको हम एक समग्र विकास कहते हैं और एनईपी में उसको विकास के रूप में कहा गया है, तो जो आर्थिक सामाजिक विकास है उसमें एक जो बड़ा मूल्य है वो अभी हो गया है, जब तक हम लोग अपना एक उत्तम खेती मध्यम मान अधम चाकरी भीख निदान तक मानते थे तब तक तो नहीं था, पर अब कुछ काफी कुछ जो सर्विस सेक्टर की ओर जो रुझान हो गया है, तो जहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो नौकरी में जाने वाले हैं या जिसको एक अच्छी व्यवस्था समझा गया है, तो उसमें स्किल्स को किस प्रकार से डेवलप किया जाए, इस पर भी बात जो है वो शिक्षा नीति में की गई है। अब जबकि हमने ये बातें कर ली है, काफी कुछ हम कोर्स कंटेंट से निकल चुके हैं यूएचवी के, तो अब 2 बातें हमारे सामने महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली बात तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पर पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, गणित नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, स्लाइड। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने वो पढ़ना जो है वो हमारा जो सिलेबस है वो हमारा जो है वो मूल्य परक हो जाए। यानी केवल मूल्य के नाम पर हम किसी किन्हीं महापुरुष की कहानियों तक जाकर के या कविताओं तक सीमित ना करते हुए हमारी पूरी शिक्षा ही जो है वो मूल्य के आधार पर हो जाए, संस्कार के आधार पर हो जाए, तो एक तो काम हमारे सामने ये बड़ा हो जाता है। दूसरा जो काम हमारे सामने उसके बाद का हो जाता है और हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो शिक्षक हैं और जो शिक्षक बनने वाले हैं इंक्लूडिंग फैकल्टी, कि हमारा जीना जो है वो मूल्य परक हो जाए। क्योंकि देखिए जो जिनको हम पढ़ाने वाले हैं शिक्षक के रूप में, जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो तो हमारी बात तो सुनते ही हैं, परंतु
एक ऐसा कहावत है कि व्हाट यू से इज सो लाउड, व्हाट यू से इज सो लो दैट योर एक्शंस आर लाउडर देन व्हाट यू आर सेइंग। आप जो कह रहे हैं उसकी आवाज जो है और आप जो कर रहे हैं उसका जो शोर है, तो आप जो कर रहे होते हैं उसका शोर जो है आप जो कह रहे होते हैं उसको दबा देता है। दूसरे शब्दों में कि हम बातें तो कहें, मूल्यों की बात करें, है ना, कि और ये मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इस कोर्स से निकलने के बाद हम लोग जो है वो एक मैं के बारे में, स्वयं के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में और इस पूरी प्रकृति अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ जो है सूचना के रूप में हमारे पास आ गया है। हमारी वोकेबुलरी, हमारी जो शब्दों का जो हमारा संसार है वो थोड़ा समृद्ध हो गया होगा, थोड़ी कुछ शब्दों को लेकर के थोड़ी क्लैरिटी हो गई होगी, है ना। संबंधों को शायद हम बेहतर डिफाइन कर पा रहे होंगे, पर जब हम संबंधों को बेहतर डिफाइन कर पा रहे हैं तो क्या संबंधों में हम बेहतर जी भी पा रहे हैं क्या? हमने परिवार व्यवस्था की बात की, निश्चित ही वो सब लोगों को अच्छा लगा होगा। तो परिवार में जिस प्रकार की शिकायतें हैं या जिस वातावरण में हम लोग काम करते हैं उस वातावरण में एक दूसरे से बहुत शिकायतें हो जाती हैं, या समाज में हमको दिखाई पड़ता है जो कि हमारा तो एक जो समाज है बड़ा समाज है, तो वो जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, है ना, और साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट के आधार पर, बहुत भाषा के आधार पर बहुत प्रकार से बटा हुआ है। तो आपसी मान्यताएं बहुत सारी हैं, हम एक प्रकार के लोगों को एक प्रकार का एक लेबल लगा करके चलते हैं। तो ये बहुत सारे जो जब हम मूल्यों की बात करते हैं और हमारी उम्र वो 20-25 साल से लेकर के 55-60 साल तक की उम्र है, तो जिन मान्यताओं को लेकर के हम लोग जीते रहे हैं उन मान्यताओं से निकल करके जब पहली बात ये आती है कि मनुष्य के रूप में हम सब समान है, तो सूचना के रूप में तो बात आ गई कि मनुष्य के रूप में समान है, परंतु क्या हमारे कार्य व्यवहार में आ पा रही है? वो जो कुछ भी हमें एक दूसरे के साथ जो हमारा सामंजस्य नहीं बैठ पाया है, वो घर पे नहीं बैठ पाया है, माता पिता के साथ, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के साथ, तो एक बार उसकी ओर देखें और फिर बाहर निकलें तो समाज में देखें, अपने संस्थान में देखें, है ना, पूरे विश्व में ही देखते हैं। तो अब जब मनुष्य सब एक ही प्रकार के हैं तो फिर सामंजस्य की समस्या क्यों है, इसकी ओर देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी मान्यताओं को जांचना पड़ेगा, उस पर आप लोग काम कर भी रहे होंगे, और बहुत मुझे लगता है कि इस दौरान आप लोगों ने एक स्वयं को भी कहीं ना कहीं जांचा होगा, कहीं ना कहीं हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी डिजायर्स हैं, उन पर, हमारी इच्छा पर, विचार पर, आशा पर, बहुत सारी मुद्दों पर और भी बात हुई होगी। बहुत गहराई से देखेंगे तो हारमोनी की जिसकी हम बात करते हैं, तो हमारी जो शिकायतें दूसरे लोगों से हैं, अपने से तो शिकायत नहीं कर पाते, पर वो हारमोनी हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगी। तो मैं कब क्या सोचता हूँ, कब मैं क्या करता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ और जो मैं चाहता हूँ उसके बीच में कोई सामंजस्य है क्या, उसके बीच में कोई लय ताल है क्या, ये अपने से प्रश्न करेंगे। मैं जैसा होना चाहता हूँ, जैसा मैं कार्यव्यवहार करना चाहता हूँ वैसा कर पा रहा हूँ क्या, जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसा मैं जी पा रहा हूँ क्या? तो उनको थोड़ा सा उन मुद्दों को देखना पड़ेगा। हमारे पास कोई व्यक्ति आकर के बैठ गया है, उससे हम एक प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, हमसे कोई बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति बैठ गया है तो एक प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, एक कोई हमसे पद में, प्रतिष्ठा में या अन्य पैसे में कोई छोटा आदमी बैठ गया है तो उससे हम एक प्रकार का, अलग प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो है वो समस्या हमारे पास आती है। तो मुझे अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आता है, एक एक शेर है उसका कि जी में तो आए हैं के मारूं साले के लात। तो साले शब्द को आप जो है मेरे को क्षमा कर दीजिएगा, शेर ही ऐसा है। तो शेर ऐसा है कि जी में तो आए हैं कि मारूं साले के लात, पर फिर वक्त देख के सहनी पड़े हैं बात। तो मन में कुछ चलता रहता है, बाहर से हम लोग कुछ और करते रहते हैं, तो अपने में भी कहाँ सामंजस्य है। तो एक मनुष्य के रूप में दूसरे लोगों को स्वीकार कर लेना, पत्नी का पति को, पति का पत्नी को, भाई भाई का, बाकी लोगों को, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और कुछ मान्यताएं तो आप लोगों की टूटी ही होगी इस दौरान। तो ये जो मूल्य शिक्षा का, जो जिसको हम मूल्य शिक्षा कह रहे हैं, वो पुस्तकों में बहुत कुछ है, वो हमारे विभिन्न जो
धर्म है, उनके ग्रंथों में बहुत कुछ है, कुरान शरीफ में बहुत कुछ है, बाइबल में बहुत कुछ है, गीता में बहुत कुछ है, वेद में बहुत कुछ है, उपनिषदों में बहुत कुछ है, परंतु वो हमारे जीने में आ जाए, यानी जिसको हम स्टेप 3 कह रहे हैं, वो स्टेप 3 में आ जाए, इसके लिए आवश्यक ये है कि स्टेप 2 जिसको हमने लिखा है कि जो संस्कार आधारित, मूल्य आधारित जो शिक्षा है उसमें आ जाए, क्योंकि यदि तब नहीं आएगी तो बाकी जीवन में आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो उस दृष्टि से एक बार हम सब लोगों उस पर विचार कर ले। तो जो शिक्षक है, मतलब ये टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट में ही इस काम को कहीं ना कहीं हमको करना पड़ेगा। और जब तक हम लोग इन मुद्दों को ठीक से समझ ना ले, जान ना ले, मान्यता के आधार पर ना जिए, बल्कि हम लोग अपने में एक बार उसको स्वीकार कर ले, और उसमें समय लगने वाला है, वो कोई ऐसा बात नहीं है कि हमने कह दिया, जैसे ने पहले से ही कहा, तो जैसा मैंने पहले ही कहा है कि समझ के स्तर पर आ जाए तो सूचना आ जाए, समझ के स्तर पर आ जाए और फिर हमारे आचरण में आ जाए, और हमारे आचरण में आ जाए तो उसका मतलब यह है कि कोई मेरे ही कहने से आ जाती हो, ऐसा नहीं है, मैं तो हमेशा आचरण ठीक ही करता हूँ, समस्या दूसरों के साथ है, तो वो जो दूसरे कहीं हमसे नाराज हैं, कहीं खफा हैं, कहीं थोड़ी शिकायतें हैं उनकी, जब वो कहने लग जाए कि हाँ कुछ परिवर्तन आ गया, यानी कि एक म्यूचुअली फुलफिलिंग जो है वो स्थिति आ जाए कि मेरे व्यवहार से दूसरे संतुष्ट हो जाए, दूसरों के व्यवहार से मैं भी संतुष्ट हो जाऊं, मेरे और उसमें जो बीच का जो दूरी है वो कम हो जाए, तब जाकर के ये समझ में आता है कि हाँ जो हमारा जीना है वो मूल्य परक हो पा रहा है। और उसके लिए जो आवश्यकता हो जाती है मूल्य परक जीने के लिए, वो आवश्यकता हो जाती है, वो कहाँ से निकल करके आएगी? वो शिक्षा से निकल के आएगी, वो संस्कार से निकल करके आएगी। तो अब हम लोग तो लगभग सभी लोग 22-24 साल की उम्र से ज्यादा ही है, जो लोग सीधे बीएड और एमएड बीएड में आ गए हैं उनके लिए तो कुछ लोग युवा भी हैं और बाकी फैकल्टी, और कुछ लोग जो हैं वो अधिक उम्र के भी हैं, तो सीखना सिखाना चल रहा है, परंतु आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि जो हमारी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही यदि मूल्य परक बनना है, हमारे जो विभिन्न विषय है यदि उनको मूल्यों से आच्छादित होना है, तो उसके लिए आवश्यकता ये हो जाती है कि हम लोग जो एक शिक्षक के रूप में खुद भी जो है वो मूल्य परक जीने का कार्य प्रारंभ करें। तो वो जो मूल्य परक जीना है उसके लिए क्या आवश्यकता होगी कि एक संपूर्णता में हम इस पूरी सृष्टि को समझ सकें। तो जब हम पूरी सृष्टि की बात को जब हम कहते हैं तो वो मैं से प्रारंभ करके पूरे अस्तित्व तक जाती है। तो पहले मैं को समझ लूं, फिर उसके बाद अपने शरीर को समझ लूं, फिर परिवार को समझ लूं, समाज को समझ लूं, इस प्रकृति को समझ लूं, और ये जो जितने भी ये जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी का जो बाकी ग्रह गोल है, जो विभिन्न चांद सितारे हैं, जो जो ग्रह हैं उनके साथ हमारा क्या सिस्टम है, उसको समझ लूं। तो पहली बात तो उसको मैं सूचना के रूप में आती है, दूसरी बात समझ के रूप में आती है, और समझने का अर्थ भी हमको एक स्पष्ट होना चाहिए। समझने का अर्थ जो है किसी हमने एक नियम को समझ लिया है ना, या कोई हमने किसी एक कि 1526 में बाबर आया, 1546 में हुमायूं थे, और 1556 में अकबर ने लड़ ली, ने जो है वो हेमू से लड़ाई लड़ी, तो औरंगजेब कब आए, ये समझना नहीं है, ये सब सूचनाएं हैं। समझने का प्रमाण क्या है? समझने का प्रमाण है कि हमारे जीने में आ जाए, तो सबके साथ हमारा प्रेम का संबंध हो गया, होना चाहिए, ये एक सूचना है। ये समझ में कब आएगी? अब कोई पूछे आपको समझ में आ गया, हम कहते समझ में आ गया, ऐसा हम जीते हैं क्या? तुम कहते नहीं जीते। तो समझने का प्रमाण है जीना, जीने में आना। तो इन 4-5 दिनों में जो कुछ भी बातें हो रही हैं, तो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर तो हम ये कह सकते हैं कि सब बात समझ में आ गई, इसमें कोई ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो कि नहीं समझने वाली बात है, परंतु हमारे जीने में आ गया क्या? जीने में यदि जितना जितना जीने में आ गया है उसको हम कहेंगे कि इतना इतना हम समझ गए,
बाकी अभी सूचना के स्तर पर है, इतना इतनी बात तो एक स्पष्ट होनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि हम बहुत सारी बातें इसके जो जो शब्द है, भावार्थ है, उनको उठा करके दूसरे लोगों से कहते रहेंगे और बाद में पता ये चलेगा कि हमारे जीने में नहीं आया। बहुत साल पहले मैं भी इस जब मैं जब इससे इंट्रोड्यूस हुआ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज से, तो उस समय मैं झाबुआ में था। झाबुआ में उसके बाद फिर मेरा स्थानांतरण जो है उज्जैन में हुआ। तो उज्जैन में जब मैं पहुंचा तो जो कुछ बातें मैंने समझी हैं, वो बातें जो मेरे से मिलता था उसको बहुत जल्दी जल्दी जो है मैं बता दिया करता था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो मैं और शरीर और समाज सारी बात कर लेते, परंतु लोग सुन तो लेते थे। जो उनसे थोड़े पद में या अन्यथा कम थे वो मजबूरी में सुन लेते थे, पर दोबारा उसकी बात करते नहीं थे। और बाकी से सामान वालों से बात करते थे तो उनकी बहुत रुचि होती नहीं थी। तो मैं सोचता था क्या कारण है, धीरे दिखाई पड़ता था कि वो मेरे व्यवहार में वो चीज नहीं आई है। तो व्यवहार में जब तक नहीं आती है, जब तक परिवार में कम से कम परिलक्षित होने लग जाए, जब तक वो नहीं होता है, तब तक जो है वो समझ में आता नहीं है। तो एक आप लोग, आप में से प्रिंसिपल भी हैं, आप में से लेक्चरर्स भी हैं, तो मैं भी एक किसी न किसी आप लोगों के साथ किसी न किसी पद पर बैठा हुआ हूँ। तो एक जब जो एक शासन की जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में आप और हम काम करते हैं, उस वो व्यवस्था पूरी की पूरी वो अस्वाभाविक व्यवस्था है, वो स्वाभाविक व्यवस्था नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रलोभन से या कहीं ना कहीं दबाव के कारण हम लोग काम करते हैं। तो मैं मेरे ऊपर वालों के दबाव में काम करता हूँ, प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, मंत्री, कमिश्नर जो कहते हैं, और आप लोग जो है हमारी फैकल्टी और आप लोग जो है वो मेरे दबाव के अंतर्गत काम करते हैं। हम लोग जो है वो या एक प्रलोभन है कि सीआर बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रमोशन अच्छा हो जाएगा, पोस्टिंग अच्छी हो जाएगी। तो दबाव या प्रलोभन के अंतर्गत जो हम काम कर रहे हैं वो ये वो स्थान है। तो ये ऐसा स्थान नहीं है जहां पर कि बहुत ज्यादा हम अपने आप को सीधे ठीक कर सकें। तो जो समझ वाली बात है, उसका जो एक समुचित स्थान है, सबसे पहले वो परिवार है हमारा। तो पत्नी के रूप में पति के साथ संबंध, पति के रूप में पत्नी के साथ संबंध, हमारे सास ससुर, ननद भावत, जो हमारी भौजी, हमारे चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, फूफा, मतलब भारत तो बहुत समृद्ध है इस दृष्टि से। बाकी अंग्रेजी में तो अंकल ही अंकल है सब, है या तो अंकल है या आंटी है। तो इस दृष्टि से जो कुछ इंस्टीट्यूट में होता है या जो स्कूल में होता है, उसकी जो बात है, उनकी शिकायतों को पहले अभी दूर करने ना जाए। अभी एक टीचर के रूप में हम जो है अपने आप को देखें कि हम अपने आप के साथ, यानी मैं जब अपनी बात करता हूं तो मैं जो इच्छा करता हूं उसके अनुरूप मेरे विचार होते हैं कि नहीं, उसके अनुरूप मेरे आशा होती है कि नहीं, वो जो मेरा थिंकिंग है, जो डिजायर्स है, उसके बारे में विस्तार से बात हुई है, जाऊंगा नहीं उनमें। तो उनमें एक रूपता आ पा रही है कि नहीं आ पा रही, मेरी चाबी मेरे ही हाथ में किसी और के हाथ में, यानी मैं जो सोचता हूँ, वो जो मैं विचार करता हूँ, वो सोचना विचार करना वो मेरी अपनी इच्छा के कारण है या कोई और उसको इम्प्लांट कर देता है। तो कोई आया, अभी मैं कुछ और सोच रहा हूँ, कोई और आया, उसने कोई बात कह दी तो मेरा दिमाग वहां चला गया, फिर कोई और आ गया, मेरा दिमाग उधर कहीं और चला गया। तो यानी मेरी चाबी मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है। तो पहला काम तो अपने ऊपर बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है, उसको थोड़ा देखना होगा, आप लोगों को थोड़ा सोचना होगा, उस पर बातचीत हुई होगी उसके ऊपर। दूसरी जो बात है, उसके बाद फिर क्या, मैं परिवार में जिन मूल्यों की हमने बात की है, तो उसके बारे में क्या हमको थोड़ा बहुत देखना चाहिए क्या, जो हमने प्रेम की बात की है, जो हमने विश्वास की बात की है। तो ये बात आई होगी कहीं ना कहीं आपके बीच में कि विश्वास जो है वो मेरा मेरा और मेरी पत्नी के बीच में मेरा विश्वास है कि नहीं, मेरा मेरे बच्चों के बीच में विश्वास है कि नहीं। मैं एक 2-3 मिनट में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक अपना ही एक उदाहरण लेता हूँ, शायद पता नहीं लिया गया कि नहीं लिया गया। जब मैं इस कोर्स के से गुजर रहा था तो एक बात ये कही गई कि विश्वास जो है वो आधार मूल्य है। दो संबंधों के बीच में यदि विश्वास नहीं होगा तो संबंध फलीभूत होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। तो ठीक है, ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं जो समझ में ना आए, पर दूसरी बात बार बार ये कहते थे कि भाई जांच के देखना है, मानना नहीं है, जांच के देखना है। तो मैंने जांचा तो मैंने कहा मेरी पत्नी के साथ बढ़िया है, बच्चों के साथ मैंने कहा अच्छा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों के साथ तो खैर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर मैंने जो मेरे साथ में जो लोग काम करते थे
उनके साथ भी देखा, तो कलेक्टर उसमें राधे श्याम जुलानिया होते थे, तो उनके साथ भी विचार किया और देखा भाई बड़ा बढ़िया चलता है, नीचे जो मेरे साथ लोग काम करते थे बड़ा अच्छा है, देखा ठीक है, मुझे लगा भाई ये मामला ठीक। तो सूचना के स्तर पे आ गया, फिर कहा गया कि भाई इसको जांचना है, तो जांचना है तो मैं उस समय मेघनगर एक जगह है झाबुआ में, तो जहां पर तो मेघनगर से हम लोग गाड़ी पाते थे, मैं और मेरी पत्नी, तो उस समय हम लोग आते थे, सुबह जाते थे, कोर्स करते थे, लंच में वापस आते थे, और बच्चे स्कूल से आते थे उनको लेकर के वापस हम लोग जाया करते थे, कोई 20 किलोमीटर का दूरी होगी। तो मैंने कहा, मुझे बताया गया था कि भाई जांचना है, मैंने कहा जांच लेते, इसमें कौन सा बड़ा काम। तो जब आते थे तो मैं फिर गाड़ी ड्राइव करता था, जीप होती थी, मेरी पत्नी बगल में आती थी, हम लोग आपस में बात करते आते थे, और जो हमारा ड्राइवर था उसका नाम पूना नाथ योगी था, वो बच्चों के साथ बैठ जाता था। तो जब बैठने लग गए गाड़ी में, तो मैंने कहा तुम पूना तुम गाड़ी तुम चलाओ, मैं बच्चों के साथ बैठता हूँ। तो बैठ गए, बच्चे बोले पापा आप हमारे साथ बैठेंगे, मैंने कहा नहीं बैठ सकते क्या, उन्होंने कहा नहीं नहीं क्यों नहीं, बैठ गए। तो गाड़ी चली, तो मैंने मेरी बेटी से पूछा कि अब तो वो 30 साल की है, पूछा कि बेटा कैसे चल रहा है तुम्हारी पढ़ाई, ठीक चल रही है पापा। फिर मैं कहा तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, ठीक है पापा। अब इसके बाद मेरे पास उनसे कुछ पूछने के लिए प्रश्न नहीं था, क्योंकि तो उनके जो कौन दोस्त हैं, क्या बातें होती हैं, मेरे कोई ध्यान में नहीं था। फिर मैंने जो है अपने बेटे से पूछा, है ना, वो बेटा भी अब 27-28 साल का है, डिफेंस में है, दोनों बच्चे डिफेंस में ही है, उसे पूछा कि बेटा कैसा चल रहा है गणेश, बाबा अच्छा है, तो मैंने कहा दोस्त ठीक है तुम्हारे, उन्होंने कहा ठीक है। अब उसके बाद की जो करीब 20-22 किलोमीटर की यात्रा है, वो मेरे जीवन की सबसे लंबी यात्रा थी। मैं ये मान के चल रहा था कि मेरा मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छा संबंध है, परंतु वो बच्चे भी चुप हो गए, क्योंकि हमारी जैसी आदत है तो करीब महीने 2 महीने में एक बार ठीक से डांट देना, 6-8 महीने में एक बार हाथ उठा देना, तो जैसा हमारा अपने पीछे से होता आया, तो ये दिखाई पड़ा कि अभी तो मेरा मेरे बच्चों के साथ ही संबंध नहीं बन पाया, और मेरी प्रेजेंस में वो जो है सहज नहीं हो पा रहे, आपस में जो बातचीत करते थे खेलते कूदते जाते थे वो भी बंद हो गया। तो बात तब मेरे समझ में आई, जिसको समझ में आना कहते हैं, तो ये तो बात सूचना के रूप में आ गई थी कि विश्वास सबसे बड़ा संबंध है, और मैं मान के बैठा था कि मेरा तो विश्वास है ही। पत्नी के साथ तो मैं फिर उसके बाद पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाया कि पत्नी से भी पूछ लूं कि तुम्हारा भरोसा मुझ पर है कि नहीं, और ये बात करीब 3 साल बाद मैं फिर कर पाया, हम मेरी पोस्टिंग उज्जैन में हो गई, उज्जैन में कभी ये बात मुझसे पूछ पाया कि भाई आपको मेरे पे भरोसा है विश्वास है कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा आप पर विश्वास है, फिर उन्होंने मुझसे पूछा, उनको भी दिक्कत थी, उन्होंने भी मुझसे पूछा। तो बच्चों के साथ फिर धीरे धीरे मैंने अपने फिर आचरण को सुधारा, व्यवहार को सुधारा, और लोगों के साथ भी सुधारा, जो समाज में परिवार में जो लोग थे। तो मेरे जो छोटा भाई है, कुछ दिक्कत हो गई थी परिवार में, तो उससे उसके साथ जो है वो कुछ दिक्कतें हुई, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, तो वो कहीं और छोड़ करके मेरी सिस्टर के पास भुवनेश्वर चला गया था। तो उस समय फिर मेरी पत्नी ने जो है फिर उसको फोन किया, और तब तक बातचीत कुछ इधर भी बंद थी, तो उन्होंने फोन किया और भैया करके बुलाया, उसको बुलाया, फिर वो उज्जैन में आए। तो जैसा मैंने कहा कि दो बातें कह रहा हूँ कि एक तो जो सूचना के रूप में हमारे पास जो कुछ भी आ गया है मटेरियल, वो समझ में कन्वर्ट हो जाए, इसको लेकर के सब लोगों को काम करना होगा, तब जो है हम जिसको हम कह रहे हैं कि एक कॉम्पिटेंट टीचर के रूप में, जो एक हमारा समग्रता के रूप में जो हमारा व्यू है वो आएगा, और एक मानवीय दृष्टिकोण होगा, और उसको करते हुए हम एक आदर्श शिक्षक के रूप में स्थापित हो जाएं, तब ये काम हो सकेगा ठीक से। एक बात तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा जो है वो हम लोग एक्शन रिसर्च करते हैं, हमारे फैकल्टी को भी मैं अभी बात कर रहा हूँ, एक्शन हम लोग रिसर्च करते हैं, तो उस एक्शन रिसर्च के अंतर्गत जो अभी तक जो हमने बहुत सारे विषय पिछले 2 साल में लिए, मैं भी अपने जब आया था तो मुझे बोर्ड पर मैं देख रहा था, तो वहां पता चला कि मेरे को भी 2 साल आईएससी में हो गए, जहां मैं जो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक जो एक्शन रिसर्च पर हमारा कि कंटेंट ऑफ एजुकेशन क्या हो, और दूसरा प्रोसेस ऑफ एजुकेशन क्या हो। तो अभी जो कुछ भी सीखना सिखाना है, तो नियमों को ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम सब पढ़ पढ़ा लेते हैं, पैडागोजी की बात कर लें कि गिजू भाई ने क्या किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, परंतु शिक्षा का कंटेंट क्या हो। तो मैंने पहले दिन भी इस बात को कहा था कि अभी जो कुछ भी समाज में समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, उन समस्याओं में शिक्षक है
और शिक्षार्थी है, तो क्या वहां कहीं दिक्कत है या कहीं पर जो कंटेंट है उसमें कहीं हमारी दिक्कत है? तो इसको थोड़ा हमें देखना होगा कि शिक्षक भी कहीं बहुत ज्यादा उनकी एफिनिटी हमारे स्कूलों से नहीं है, बहुत मजबूरी में ही लोग जाते हैं। बच्चों के लिए भी जो शाम की घंटी होती है वो कहीं ज्यादा कर्णप्रिय होती है बजाय उसके कि जब घंटी लग रही होती है। तो प्रॉब्लम शिक्षार्थी में है या शिक्षक में है या जो कंटेंट ऑफ एजुकेशन है उसमें है, ये हमको थोड़ा इस पर हमको काम करना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा जो हमारी फैकल्टी है उसको विचार करना पड़ेगा। दूसरा, जो कंटेंट डिलीवरी है, जो पेडागोजी है, या जो हम किस प्रकार से कंटेंट को डिलीवर करते हैं उस पर भी हमको काम करना पड़ेगा। खासकर जो एमएड के स्टूडेंट्स हैं जो बीएड कर चुके हैं और उनने काफी समय काम कर लिया है, वो भी उसको थोड़ा देखें। और तीसरा जो है कि क्या हम जो हमारा संस्थान है उसको क्या हम एक इस रूप में स्थापित कर सकते हैं कि वो एक मानवीय संस्कृति के रूप में है। और हम लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं कि जो हमारा संस्थान है उस संस्थान में जो एक आंगनवाड़ी भी है, तो एनईपी की यदि हम बात करते हैं तो 5+3+3+4 का नया सिस्टम आया है। तो जो ईसीसी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वो पहले 3 साल में है, उसके बाद पहली दूसरी है, इसको एक 5 कक्षाओं के एक ब्लॉक में रखा गया है। उसके बाद तीसरी चौथी पांचवी का एक ब्लॉक है, छठी सातवीं आठवीं का एक ब्लॉक है और 9वीं से 12वीं का एक ब्लॉक है। इन चारों स्तर पर अलग अलग प्रकार से जो है वो हमको शिक्षा को देखना होगा। फॉर्चुनेटली आंगनवाड़ी भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, जो निषादपुरा स्कूल है उसके साथ निषादपुरा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, और देखें तो कॉलेज भी वहीं पर है जो गीतांजलि कॉलेज है। तो ये जो पूरा एक शिक्षा का जो एक पूरा जिसको हम शिक्षालय कहें, विद्यालय कहें, महाविद्यालय कहें, तो हर प्रकार का जो शिक्षा का जो स्तर है वो हमको हमारे ही कैंपस में मिल जा रहा है। तो क्या हम आईएएसई को एक इस रूप में ह्यूमन सोसाइटी के रूप में स्थापित करते हुए क्या हम जो हमारे लिए एक लैब स्कूल है, निषादपुरा स्कूल है, तो क्या हमारे विद्यार्थी वहां जाकर के इस प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं कि जो कुछ भी हमने अभी प्राप्त किया है उस उन सूचनाओं को समझ के रूप में कन्वर्ट करते हुए क्या अब हम अपने संस्थान को और इस जो हमारा लैब स्कूल है उसको हम एक एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन जैसा लिखा हुआ है और एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन की परिभाषा ली हुई है कि एक मूल्य परक जीने के आधार पर हम लोग जिए, तो क्या हम उसके रूप में उसको स्थापित कर सकते हैं? ये हमारे लिए चुनौती है। तो उसके लिए जो है हमको जो कंटेंट ऑफ एजुकेशन क्या होगा और प्रोसेस ऑफ एजुकेशन क्या होगा उसके बारे में हमको एक अनुसंधान करना पड़ेगा आने वाले 1-2 महीने में। एक जो और महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अब एनईपी ने जो कुछ भी बात कही है हम उससे कुछ आगे बढ़ के बात कर रहे हैं। एआईसीटी ने उस काम को काफी अच्छे से किया है, इसको भी हमने देखा है और उस कंटेंट को डेवलप किया है, परंतु जो बात दिखाई पड़ती है कि क्या जो बच्चे आंगनवाड़ी में हैं उनको हम किस प्रकार से बात करें, जो पहली से तीसरी में है उनसे कुछ और प्रकार से बात करनी पड़ेगी, जो तीसरी से पांचवी में है, जो छठी से आठवीं में है, जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में है, तो ये बात आई है अभी बातचीत में कि कहाँ पर अनुकरण कहाँ तक होगा, अनुसरण कहाँ तक होगा, अनुशासन कहाँ पर होगा और स्वानुशासन कहाँ पर होगा। तो उसके लिए हमको जो है जैसा आप सामने देख रहे हैं कि कंटेंट एक डेवलप करना पड़ेगा। उस कंटेंट को डेवलप करने के बाद उसकी डिलीवरी कैसे होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसको हमें विकसित करना पड़ेगा। उसके लिए हमें किस प्रकार की एक्टिविटीज करनी होंगी, क्या क्रियाएं करनी पड़ेंगी, किस प्रकार की एक्सरसाइजेस करनी पड़े होंगी, किस प्रकार के असाइनमेंट्स देने पड़ेंगे, हमको किन किन लोगों से जाके मिलना पड़ेगा, कैसे बातचीत करनी पड़ेगी, किन लोगों से हमको सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब स्किल्स की बात जब एनईपी करता है तो वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि हम अलग अलग प्रकार के व्यवसाय में जो लोग काम करते हैं वहां पर हम अपने स्टूडेंट्स को ले जाएंगे। तो एक लोहार कैसे काम करता है, एक बढ़ई कैसे काम करता है, एक कुम्हार कैसे काम करता है, वो भी आज तो हम कहाँ जानते हैं, हम लोग इन बातों आज कहाँ पता है कि कोई चमत्कार कैसे काम करना पड़ता है। हम लोगों ने तो ये सीख लिया है कि जो कुर्सी टेबल पे काम करता है वो बड़ा आदमी है और जो खेत में काम करता है वो छोटा आदमी है। हम लोगों ने तो ये सीख लिया है जो आईटी में काम करता है वो बड़ा आदमी है, जो किसी मशीन के साथ काम करता है वो छोटा आदमी है। हम लोगों में तो ऐसी भावना घर कर गई है। तो जो एक हमारी जो इंटर्नशिप होगी अभी
बीएड के स्टूडेंट्स की, तो वो इंटर्नशिप भी इन्हीं मुद्दों को लेकर के होगी। तो क्या हम कुछ अच्छे संस्थानों में हम जा सकते हैं क्या? हम कुछ अच्छी लोगों से मिल सकते हैं क्या? कुछ हम इस प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं क्या? क्या हम लोग जब मतलब मेरी पीढ़ी के जो लोग होंगे, कमी लोग होंगे, तो हमारी पीढ़ी के लोग में यूज एंड थ्रो नहीं होता था, तो हमारे पास जो पेन होता था उस पेन की निब भी निकल जाती थी, निब के नीचे उसको जिप भी बोलते थे, वो भी निकल जाती थी। पेन के अंतर्गत जो उसमें जो ट्यूब होती थी जिसमें स्याही भरती थी, वो भी निकल जाती थी। और हम लोग जो है क्लासेस में एक दूसरे की जो निब है उसको बदलते रहते थे, करते रहते थे। खराब हो जाती थी तो निब बदल लेते थे, खराब हो जाती थी तो उसके ट्यूब बदल लेते थे। आज का जो टाइम है वो तो आपका पेन यदि नीचे जमीन पे आपकी गिर गया तो वो गया, काम से गया वो। हमारे जो रेडियो, वो वॉल्व वाले रेडियो आया करते थे, रेडियो को बदलते बदलते रहते थे, हम लोग काम करते रहते, वॉल्व बदलते रहते थे। टीवी जो होता था वो सुधर जाया करता था, आप जानते हैं। अब आज की डेट में तो टीवी सुधर नहीं सकता, एलईडी एलसीडी टीवी है, वो खराब हो गए तो उनको सुधरना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसके माइक्रो प्रोसेसर आईसीसी बदल गए। तो ये जो श्रम के प्रति जो सम्मान का जो भाव था वो चला गया है। तो इंटर्नशिप में हम लोग जब जाएंगे तो दो प्रकार की इंटर्नशिप होगी, एक तो हम जो कुछ भी पढ़ाने वाले हैं जिसको हम स्किल की बात कर रहे हैं उसकी बात भी होगी, और कहीं क्या सोशल इंटर्नशिप भी हो सकती है, यानी डिफरेंट कम्युनिटीज में जाकर के क्या हम बात कर सकते हैं, क्या हम समझ सकते हैं। तो अलग अलग पथ जो पंथ है, मत है, धर्म है, उनको लेकर के बहुत सारी बात है। मैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता था तो हमारी एक जीनत रशीद अहमद करके, हमारी वो जीनत बाजी कहते थे, वो हुआ करती थी, साइंटिस्ट हुआ करती थी। तो बीच में कुछ बहुत दूरी होती थी तो जो हमारे जो को वर्कर्स थे वो सोचते थे कि अभी उन्होंने अपने घर पे खाने पे बुलाया, तो लगा रहे रे रे ये तो इनके घर कैसे जाएंगे, इनके यहाँ तो बकरियां बंधी होगी और लेडी होगी है ना, और पता नहीं कैसा खाना होगा, कैसे खा रहे होंगे। तो मैंने फिर अपने साथ के लोगों को बहुत दबाव डाला कि नहीं नहीं हम लोग चलते हैं, एक बार भाजी ने बुलाया है, भाई ऐसी क्या बात है, चले। हम लोग जब भाजी के घर गए तो पता चला कि हम सब लोग इतने शर्मिंदा हुए कि जितने भी हम लोगों के घर थे उससे कहीं ज्यादा अच्छा सुंदर उनका घर था। उनके अपने हाथ के क्रोशिया के डिजाइन किए हुए थे, चांदी के बर्तनों में उन्होंने खाना खिलाया, सब लोग बहुत ही शर्मिंदा हुए। फिर एक दिन मैं उनसे ऐसी बात कर रहा था बहुत दिनों बाद, मैं तो फिर मध्य प्रदेश आ गया था, और वो भी एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चली गई थी वो रिसर्च करने के लिए, तो बात हो रही थी। तो ऐसी बात हुई, मैंने कहा बाजी हम लोग तो ऐसी ऐसी बातें चलती थी, वो बहुत ऐसी। अरे बोले भैया हमारे यहाँ भी ऐसी बातें होती है कि वो जो हिंदुआनियां होती है ना, तो उनके जो है वो सरसों का तेल उनके टपक रहा होता है उनके बालों में से, और वो सिंदूर जो है वो इतना लगा हुआ आता है, और वो उनका टीका ऐसा होता है। बोले भैया हमारे भी यही बातें होती। तो ये जो एक बीच में जो गैप है, अब हम सोचते हैं कि बौद्ध लोग एक प्रकार का जीना जीते हैं, जैन लोग एक प्रकार का जीना जीते हैं, तो एक सोशल साइंटिस्ट हुए हैं एम एन श्रीनिवास, तो उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी इज नॉट ए मैथमेटिकल कॉनोटेशन, इट इज अ नॉन डोमिनेंट ग्रुप। तो हम देखते हैं कि कहीं मुस्लिम होंगे तो वो एक जगह कहीं कंसंट्रेट हो जाएंगे, जैनी जैन कहीं होंगे एक जगह कंसंट्रेट हो जाएंगे, कहीं पर कोई अलग कास्ट के लोग होंगे एक जगह कंसंट्रेट हो जाएंगे। तो आपसी जो ये मान्यताओं के कारण जो मन में भेद है उनको दूर करने के लिए ये जो लिखा हुआ है कि इंटर्नशिप इंक्लूडिंग सोशल इंटर्नशिप, क्या उसको लेकर के भी हमको कुछ काम करना चाहिए, इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। उसके बाद हमको मूल्यांकन भी तो करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से वो हम कंटेंट को डेवलप करें जिसमें कि असेसमेंट हो, कि जो ठीक ठीक प्रकार से जो है वो असेसमेंट हो जाए, वैल्यूशन हमारा ठीक हो जाए। और मजबूरी है कि एक हम लोग सिस्टम में हैं तो उस सिस्टम में मार्क्स के आधार पर ही पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो क्या हम जो व्यवहार है, जो हमारा कार्य है और जो व्यवहार है उसके आधार पर भी हम क्या मूल्यांकन कर सकते हैं? तो अभी सीसीई जो सीबीएसई चलाता था हमने भी चलाया, तो वो जो सीसीई हम चलाते थे उस सीसी के आधार पर हम लोग मार्क्स के आधार पर मूल्यांकन करते थे, तो हम कह देते थे कि इसको इतने मार्क्स दे दिए, उसको इतने मार्क्स दे दिए, और कुल मिलाकर के वो जिस प्रकार का मैथमेटिक्स में या फिजिक्स केमिस्ट्री में बायो में आर्ट्स में हिंदी में लैंग्वेजेस में आते थे उस प्रकार से तो मूल्यांकन नहीं होता था, मूल्यांकन का कोई बहुत आधार भी नहीं होता था। तो जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का जो हम जिनकी बात कर रहे हैं, क्या वो भी हमारे मूल्यांकन का आधार हो सकते हैं? तो एक चुनौती के रूप में जो मुझे लगता है कि
हम लोगों को जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हम लोग जब कंटेंट डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम लोग जब उसके असेसमेंट की बात करेंगे, तो उन सबको जब हम करेंगे तो उसमें हमें कुछ एक टीम बनानी पड़ेगी। तो कोई 10-12 टीचर प्राइमरी के लिए, कुछ 10-12 टीचर हमारे ECC के लिए, कुछ हमारे थोड़े से टीचर जो है वो सेकेंडरी के लिए, मिडिल के लिए, उनका हमको चयन करना पड़ेगा। वो चयन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हम में से ही जो लोग अपने आप को ऑफर करते हैं तो उसको उनको हम ले, और जो कुछ भी हम लोग जो ये अभी UHV का सिलेबस जो हम कोर्स कर रहे हैं उसमें ऐसी कुछ बात मुझे लगता है कि मैंने निवेदन किया है राजुल जी से, गणेश जी से, उमेश जी से, और परीक्षित जी तो आपके बीच में ही है, और बाकी टीम से, कि हम लोग इस प्रकार का एक फॉर्मेट डेवलप करें कि आपने उसमें क्या सीखा और आपको क्या लगता है कि उसको किस प्रकार से हमको अब समाज में ले जाना है, शिक्षा में ले जाना है। तो थोड़ा कल के बाद जब आपको समय मिलेगा तो 1-2 दिन में इस प्रकार के एक फॉर्मेट हम लोग डेवलप करके आपको देंगे। और हमारी जो फैकल्टी है वो फैकल्टी दो दो लोग लीड करेंगे इन पांचों ग्रुप को। पांच ग्रुप का मतलब है कि ECC जो है, दूसरा जो पहली से तीसरी की जो बात है, और जो पांच, जो चौथी पांचवी, तीसरी चौथी पांचवी, फिर छठी से आठवीं, नौवीं दसवीं, 11वीं 12वीं। तो ये पांच जो समूह बनेंगे उन समूह को फैकल्टी में कौन लीड करेगा और उसमें किस प्रकार से लोग उसमें उनका चयन होगा, उस पर कुछ काम करने की जरूरत है। फिर उनके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि उनका खुद का जो एक समग्रता में किस प्रकार से अपनी समझ को वो बढ़ा सकते हैं, आचरण में, व्यवहार में और सूचना के स्तर पर कुछ काम हमको उस पर करना पड़ेगा। कोई स्थान चयन करना पड़ेगा जहाँ पर इसकी वर्कशॉप करें, तो वो जो हम वर्कशॉप्स करेंगे वो वर्कशॉप यहाँ पर तो नहीं होगी PGBT में, तो कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो कहीं हम दिल्ली जाएं या मुंबई जाएं या हैदराबाद जाएं या पंचमढ़ी जाएं, वो सब हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो जब लोग अपने आप को ऑफर कर रहे होंगे तो उनको ये देखना पड़ेगा कहीं किसी के माता पिताजी की तबीयत यदि कहीं बहुत खराब रहती हो तो शायद वो ना जा पाए, कुछ उनके अपनी पत्नी या बच्चों के साथ या पति के साथ कोई इश्यूज हो तो सास ससुर की सेवा करके आना पड़ता हो, खाना बना के आना पड़ता हो, तो उन लोगों को जाने में बाहर दिक्कत होगी। तो जो लोग अपने आप को ऑफर करेंगे उनको जब वो अपने आप को जब वॉलंटियर करेंगे तो 4-5 दिन के लिए बाहर जाना है, तो ये बात ठीक है कि एक अच्छा अलग प्रकार का वातावरण मिलेगा, पर उस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं तो थोड़ा उसको भी देखना पड़ेगा। और एक बार जब कुछ साल 2 साल का प्रयास हम लोग जब करेंगे तो उसके बाद जो हम फिर इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो शिक्षक, वो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, और हमारे पास हमारे ही पास में हमारा डाइट भी है, तो उस प्रकार से जब हम इस प्रकार से जिसको हम कहते हैं ना स्प्रेड इफेक्ट होता है, एक अच्छी कोई चीज होती है वो भी फैलती है, खराब चीज थोड़ी शायद जल्दी फैल जाती है ऐसा दिखाई पड़ता है, परंतु जो अच्छाई है वो भी फैलती है। तो अच्छे लोगों का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, अच्छे इंस्टीट्यूशंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, इसको भी थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। तो जो काम हमें करना है, जैसे मैंने कहा कि जो हमें पांच जो ग्रुप्स हैं वो अभी आपके सामने है भी, वो तो वो पांच ग्रुप्स जो हैं उन पांच ग्रुप्स में कौन कौन लोग जिनको हम लेंगे, लगभग 10-10, 10-12, 8 जो लोग आएंगे उनको हम लेंगे, उनको लीड करने वाले जो हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं हम उनको भी लेंगे, और जो UHV की जो टीम है जो इस काम में काम कर रही है, वो जो UHV की टीम है वो टीम में से भी हम निवेदन करेंगे कि कुछ लोग हमको अच्छे मिल पाए, क्योंकि लगभग 450 वॉलंटियर आज पूरे देश में काम कर रहे हैं। वो जो 450 वॉलंटियर AICT के साथ काम कर रहे हैं तो उनमें से भी हम निवेदन करेंगे कि कुछ लोग हमको मिल जाए जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुछ काम हुआ भी है, मुझे बताया गया था कि भूटान में कुछ इस प्रकार का काम पूर्व में हुआ है, राजुल भैया बाद में उसके बारे में बताएंगे। तो एकदम स्क्रैच से तो काम शुरू नहीं करना है, हमको थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि एक जो सिलेबस डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट और पेडागोजी का डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा स्पेशलाइज्ड काम भी है। तो हमारे में से कुछ लोगों ने SERT में काम किया है, उस प्रकार के लोगों के प्रशिक्षण भी इस प्रकार के होंगे, तो उसका एक कंटेंट डेवलपमेंट का, पेडागोजिकल जो डेवलपमेंट है उसका प्रोसेस क्या होता है। हो सकता है कि जो लोग हमारे जो वॉलंटियर करेंगे और जिनका सिलेक्शन इसके लिए होगा तो उनके भी हमें कुछ ट्रेनिंग करने पड़े, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर एक बार वो जो फॉर्मेट्स के आधार पर जो हम लोग चयन करेंगे
उसका एक लिंक शेयर कर देंगे, तो जो लोग वॉलंटियर कर रहे हैं और हमको भी जो लगता है कि जो लोग इसमें काम कर सकते हैं उस पर फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। उनकी हम लोग कुछ एक वीकली मीटिंग भी प्लान करेंगे। और फिर जैसा ये जो अभी जो हमने बात की है, तो ये एक प्राइमरी लेवल की बात है ना, अभी बहुत कम बात हुई है। इसको इसके 3 स्टेजेस हैं, तो लगभग 5 दिन का तो अभी हम लोगों ने एक मतलब वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस कंटेंट, थोड़ा सोचने समझने की भी जरूरत है। उसके बाद एक लेवल 2 और लेवल 3 और आएगा, तो अभी आपको ये नहीं मानना चाहिए कि इतने में ही काम हो गया है, अभी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। तो हाई लेवल की वर्कशॉप हम लोग कैसे करने वाले हैं, फेस टू फेस करेंगे या हम लोग ऑफलाइन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, थोड़ा उस पर विचार करेंगे। और फिर जैसा मैंने कहा कि ये जो मॉडल है, उस मॉडल को हम लोग 5ों लेवल पे खड़ा करके उसके कंटेंट, उसके प्रोसेसेस, उसके एक्टिविटीज, उसके एक्सरसाइजेस, उसके जो असेसमेंट है, उसके जो इवेल्यूशन है, उसका क्राइटेरिया बनाएंगे। और साल भर में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो हमारा जो लैब स्कूल है, उस लैब स्कूल को हम लोग उसमें काम हम लोग शुरू कर दें। तो पहले शायद बात हुई होगी प्रमुख सचिव महोदय, हमारी जो रश्मि शमी मैडम है, उनसे इस बार बात हो गई है, कमिश्नर साहब से बात हो गई है, और एसआरडी में भी हमने इसको शेयर कर लिया है। तो हम लोग इस एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, नोडल इंस्टीट्यूशन के रूप में इस काम को करने वाले हैं। तो जो हमारे जो बीएड का और एमएड का जो कोर्स है, वो तो आई एम श्योर कि बहुत कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने जब प्रवेश लिया होगा तो आपको ये बताई दिया होगा आपके पूर्ववर्ती लोगों ने कि कोई बात नहीं, 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन से पढ़ करके पास हो जाएंगे। और एक बार पास हो जाते हैं तो उसमें 80%, 90% या 60% में कोई बहुत अंतर पड़ता नहीं है, लगभग सभी लोग फर्स्ट डिविजन तो आ ही जाते हैं। हमारे यहाँ आईएससी की फैकल्टी इतनी अच्छी है कि वो तो कर ही लेती है। तो ज्यादा जो हमें काम करना है वो इन मुद्दों पर काम करना है कि जो हम लोग जब स्कूल में लौट के जाने वाले हैं तो क्या हमारे में परिवर्तन आने वाला है। और लगभग 30 साल का मेरा अनुभव हमारे विभाग में हो गया। मैं जब स्कूलों में जाता हूँ तो उनके कार्य को, व्यवहार को, है ना, उनके स्कोर कार्ड को उनको जब देखता हूँ, और मैं कहीं पूछता हूँ कि इनमें से कौन बीएड एमएड है और कौन बीएड एमएड है, तो बड़ा डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल होता है। जो कोई बीएड एमएड किया हुआ व्यक्ति है, वो कोई जो नॉन बीएड एमएड है उनसे कोई बहुत अच्छा हो ऐसा दिख जाए, ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है। दिख भी जाते हैं, नहीं भी दिखते। तो हमारे यहाँ से जो लोग जाने वाले हैं, तो पिछले वर्षों में हम लोगों ने, फैकल्टी ने ऐसा प्रयास किया है कि जब वो लौट करके जाते हैं स्कूल में, जो फ्रेश आए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जब लौट के जाते हैं तो कम से कम कुछ लोग कहें कि भाई तुम एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में आए हो। ऐसा यदि नहीं दिखता है तो आप लोगों की 24 महीने का वेतन, यानी 12 12 महीने का आपका वेतन, जो 2 साल हम आपको अपने पास रखते हैं, हमारी जो फैकल्टी है 1.5 2 लाख रुपए उनका भी वेतन है, 20 22 लोग हैं, उसका पूरा बिजली का खर्चा है ना, उनकी पूरी पेंशन का भी खर्चा, आपकी, तो 2 साल का जो वो पता नहीं कितना गिनने जाएंगे तो कितने करोड़ों में जाएगा, वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में, एक बेहतर ह्यूमन बीइंग के रूप में, एक बेहतर शिक्षक के रूप में यदि हम लौट करके नहीं जाएंगे, तो बीएड और एमएड करने का वो जो समाज के ऊपर जो खर्चा जाता है ना, वो समाज में आप भी सम्मिलित हैं। तो हम लोगों की जो तनख्वाह आ रही है वो तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स से ही आ रही है ना, हम भी देते हैं, तो वो हमारे ऊपर भी नुकसान है, परिवार के ऊपर भी नुकसान है और पूरे समाज के ऊपर नुकसान। तो जिस आशा और विश्वास के साथ जो स्कूल शिक्षा विभाग हमको यहाँ पर भेजता है कि आप बीएड करके आएंगे, एमएड करके आएंगे, बेहतर व्यक्ति, बेहतर टीचर के रूप में आएंगे, उसको भी हम फॉल्सिफाई कर देते हैं। अभी 2 3 दिन पहले, पहले दिन कुछ एक घटना हो गई, दुर्घटना सी हो गई है ना, तो एक सज्जन बहुत लेट आए, है ना, आपके बीच के नाम आप जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। और मैं बाहर घूम रहा था, बात कर रहा था, व्यवस्था देख रहा था, तो 12 बजे वो आए। उनको देख के मुझे लगा कि ये कौन आ गया घुस करके। उनका जो चलना फिरना था और जिस प्रकार के कपड़े पहने थे, जिस प्रकार से मुंह पर बांधा हुआ था, वो कुछ इस प्रकार का था कि एक मिनट एक्सक्यूज कीजिएगा, अभी बताइए, मैं बैठक में हूँ, बताइए, बाद में बात करूंगा उनको। तो उनको मैंने देखा तो खैर मैंने उसको इग्नोर कर दिया। बाद में लगा मुझे कि चलिए कोई बात नहीं, ह्यूमन वैल्यूज का मुझे भी ध्यान में आ गई, कार्य व्यवहार कैसे करना। फिर कुछ देर बाद मैं पीछे से गया, मैंने कहा चलो उधर से देखता हूँ हॉल में कैसा चल रहा है।
देखा था तो वो सज्जन चार पांच और शिक्षकों को लेकर के उनको खैनी खिला रहे थे। तो वो जो चार पांच थे, मुझे लगा कि चार पांच को थोड़ा जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाए, एक के ऊपर मैंने सोचा कि सस्पेंड किया जाए या उनको वापस कर दिया जाए। फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद अब हम ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो थोड़ा मौका देना चाहिए सबको, ऐसा खराब ना लग जाए। तो फिर मैंने उनको 30 दिन के लिए सस्पेंड किया, एक आध को शायद शोकॉज नोटिस जारी हुआ। तो एक प्रशासकीय व्यवस्था में ऐसा करना पड़ता है, परंतु आने वाले हमारे दिनों में स्कूलों में क्या बच्चों के साथ हमारा व्यवहार बेहतर हो सकता है? क्या प्रिंसिपल्स को हम पर दबाव डालना पड़ेगा कि हम लोग टाइम से आ जाएं, उस पर बातचीत करनी पड़ेगी? तो एक ट्रांसफॉर्म होकर के हम लोग यहाँ से जाएं, वो हम ट्रांसफॉर्म होकर के जाते हैं ना, एक पूरा परिवर्तन होकर के जाता है। तो स्कूल में तो शायद बाद में जाएंगे, परंतु रोज के रोज जब अपने घर जाते हैं, जब हम ट्रेन में या बस से जा रहे होते हैं, हमारे साथ जो हमारे को पैसेंजर्स हैं, हमारे साथ जो हमारे को वर्कर्स हैं, हमारे जो परिवार में है, पत्नी को मेरे व्यवहार में परिवर्तन नजर आता है क्या? और कहीं हमारे पति को पत्नी को परिवर्तन नजर आता है क्या? बच्चों को नजर आता है क्या? सास को, ससुर को, ननद को, भावत को नजर आता है क्या? क्योंकि तो उस पर काफी बातें हुई हैं, मैं जानता हूँ होती ही है वो बातें, संबंधों को लेकर के ही हमको दिखाई पड़ता है कि मैं तो सबसे ठीक व्यवहार करता हूँ, बाकी लोगों में गलती है। अपना मूल्यांकन में ठीक ठाक करता हूँ, दूसरों से अपेक्षाओं में कमी हो जाती है, तो उसमें अपने लेवल पर क्या क्या सुधार हो जाता है? मैं ऐसा जब मान लेता हूँ कि हाँ, मतलब दूसरे तो ना समझ है, मैं तो समझदार हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग अपने को समझदार मान के चलते हैं, प्रॉब्लम दूसरों के साथ है, तो क्या ऐसी दया कृपा करुणा हो सकती है कि दूसरे ना समझ है, मैं समझदार हूँ, तो मैं तो समझदार के रूप में व्यवहार करूँ? तो मेरा समझदारी के रूप में व्यवहार का परिवर्तन रोज के रोज क्या मैं कहीं रिकॉर्ड कर सकता हूँ? क्या मेरे साथ जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती है, क्या मैं उनको कहीं रिकॉर्ड कर सकता हूँ? क्या एक डायरी मेंटेन कर सकता हूँ क्या कि ऐसा मेरे साथ हुआ? पहले की बात होती तो शायद मैं ऐसा करता, परंतु अब जो इस UHV कोर्स के जाने के बाद अब मैं उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ, अब मैं क्या दूसरों को ज्यादा, जिसको हम कहते हैं, झेल पाता हूँ क्या? दूसरों को ज्यादा स्वीकार कर पाता हूँ क्या? अपने जो रिएक्शंस हैं उनको थोड़ा कम कर पाता हूँ क्या? तो वो अपने आप को मॉनिटर करना होगा, तब हमारा समझना होगा, और वो जो सूचनाएं हैं समझ के रूप में परिवर्तित हो जाए, और हम एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, हम राजुल जी को, गणेश जी को, उमेश जी को, परीक्षित जी अपने परिवार को छोड़कर के देखिए 5 दिन से हमारे बीच में है ना, सुबह 5:30 से 7:30-8 तक एक वो सत्र चलाते हैं, जैसे अभी ये सत्र चला रहे हैं ऐसे ही सत्र रोज चलाते हैं, और वो इलाहाबाद में प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस के, है ना, वहाँ का काम छोड़ के आए, अपने परिवार को, माता पिता बच्चों को छोड़ के आए हैं, और फिर शाम को फिर एक सत्र और चलाते हैं। इतना सब करने के बाद उनका उस लेवल का कमिटमेंट है, और ये जो हमारा जो कोर्स चल रहा है, इस कोर्स के पीछे करीब 15 लोगों का एक समूह है जो रोज सुबह बात करता है। आज सुबह उस बैठक में मैं था, लगभग 2 घंटे वो बैठक चली, और जब ये हमारा कोर्स हो जाता है उसके बाद 1.5 घंटे का, 1 घंटे 1.5 घंटे का एक सत्र और चलता है, जिसको फीडबैक सेशन कहते हैं, कि आज क्या क्या हुआ, उस लेवल का कमिटमेंट। तो हम लोगों को शिक्षकों के रूप में एक बात ये भी समझ में आती है कि जो किसी भी कार्य को करने के लिए कितने कुछ तैयारी की आवश्यकता होती है। तो एक हमारे, एक बेसिकली हमारे विकास को लेकर के पूरा काम है मुझे लगता है, और मुझे आप लोगों के मानता हुआ कि सहमति है आप लोगों की, मैं जो UHV की टीम है उसको आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि हम लोग मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी, जो आपकी अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, और एक इस देश में, इस इंस्टीट्यूशन के रूप में उभरेंगे जो कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का एक मॉडल वो देगा, कोर्स भी देगा, कंटेंट भी देगा, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस भी देगा, और हम लोग एक एक व्यवहारिक रूप में, एक संस्थान के रूप में निकल के आएंगे, ऐसा आप लोगों की ओर से मैं आश्वस्त करता हूँ, ये मानते हुए और जानते हुए भी कि आप लोगों का सहयोग इस रूप में रहेगा, मेरी फैकल्टी भी इस रूप में हमारे साथ रहेगी, ऐसा मैं आश्वस्त करता हूँ। और मैं राजुल जी से और UHV की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि और आपको क्या लगता है कि हमको क्या करना चाहिए, आप हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप मार्गदर्शन हमेशा ही हम लोग के साथ है, और इसी मार्गदर्शन के साथ आगे भी रहेगी। जी राजू भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते। तो राजुल भैया को भी, यदि राजुल भैया चाहें तो हम लोग वीडियो पे ले लें, क्योंकि अभी बहुत लोग पहचानते नहीं है, नाम तो सुनते रहे हैं। हाँ, अभी एक्चुअली हमने तैयारी नहीं करी है वीडियो की। ये वाला जो कंप्यूटर है ये सेकंड हैंड कंप्यूटर है, काफी पुराना है, तो
इसमें वो चलता नहीं है, हमको काफी वो करना पड़ता है उसके लिए। तो मैं इतनी सी पर एनीवे मैं छोटी सी बात जोड़ देता हूँ कि राजुल भैया ने परिचय हुआ कि नहीं हुआ है, उन्होंने शायद 77-78 में IIT दिल्ली से उन्होंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद वो काफी वर्षों तक अमेरिका में रहे, वो कॉर्पोरेट में काम किया, फिर देश में उन्होंने काम किया है ना, और देश में मतलब बड़े कॉर्पोरेट साथ उन्होंने काम किया, जो सत्यम गुप्ता था उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ट्रेनिंग रहे, बहुत सारे देशों में उनके लोग थे, उनके साथ काम किया। तो देश विदेश में काम करने के बाद जब वो ये कहते हैं कि मेरे पास जो अभी लैपटॉप है वो लैपटॉप वो अभी इतना इम्प्रूव नहीं है जिसको कि मैं जिसपे वीडियो कर सकूं, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सहजता और सहजता के साथ हम लोग वो काम कर रहे हैं, पूरा समूह ही ऐसा है। तो हमें तो नई घड़ी, नया मोबाइल है ना, नया AC, हम लोग जिन चीज़ों में उलझे हुए हैं वहाँ से निकल करके कहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, बेके की बात करना ठीक नहीं होगा, तो वहाँ से मतलब हमको देखना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं तब तक और शेयर कर देता हूँ कि जब मैं UHV से जुड़ा और उसके बाद जो है कुछ परिवर्तन मेरे माने शुरू हुए, तो सामान्यतः जो है वो जो सरकारी अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वो भ्रष्टाचरण करने का मौका मिल ही जाता है, तो अवसर मिल जाते हैं, नहीं तो लोग वैसा कन्वर्ट कर ही देते हैं। एक मिनट फटी फटी हम लोग की 5:15 बजे की मीटिंग भी है। तो जो है वो सॉरी वो मंत्री जी के से फोन था, उठाना पड़ा मेरे को, तो वो सब तो गिर गया, मतलब गिर जाना कहते हैं, आदतें जो है यहाँ पर छूटती नहीं है, छोड़ती नहीं, गिर जाती है। तो धीरे धीरे मेरा व्यवहार में परिवर्तन हो गया, कुछ कुछ मतलब खासकर परिवार में इधर उधर, और फिर यदि कुछ ऑफर वगैरह आता था तो उसको मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं भाई अभी सब ठीक ठाक हो गया, ऐसा हो गया। तो मुझे किसी ने बताया कि किसी ने ऐसा कमेंट किया, और आपके साथ ही ऐसा हो सकता है इसलिए ऐसी बात कह रहा हूँ, कि किसी ने कमेंट किया मेरे को कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चले, तो कहीं बात आई, तो फिर ऐसे ही बैठे बैठे मुझे आया, मेरे का ठीक बात है भाई, कुछ अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास तो कर रहा हूँ और उसमें समय लगता है। तो कभी वो मित्र भी बैठे हुए थे, जो साथी थे, मित्र भी नहीं साथी भी नहीं थे, कहीं कुलीग थे, तो फिर वहीं पर मैंने बात को उठाया, तो मैंने कहा भाई कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो वो मतलब 900 चूहे अब वो नहीं खा रही है इस बात पर आपत्ति है, या वो हज को जा रही है इस बात पर आपत्ति है? तो यदि बिल्ली जो है वो हज को जा रही है तो क्यों आपत्ति होनी चाहिए? तो आप लोगों में भी जो कुछ परिवर्तन आएंगे, कुछ कुछ मुझे ऐसा अपेक्षा है कि आएंगे, काफी लोगों में आने चाहिए, तो आपके पास भी शायद इस प्रकार के कमेंट्स आ सकते हैं कि भैया क्या हो गया है ना, भैया बड़े बदले बदले दिख रहे हो है ना, तुम्हारा व्यवहार कुछ बदल सा गया है, तो हो सकता है इस प्रकार की बातें आए। और जिनका कोई आचरण बहुत बिगड़ा हुआ हो, उनको तो और बहुत सालों से बिगड़ा हुआ हो, वो उनको तो ठीक होने में मतलब आप ठीक आप भले ही एक दिन में हो जाइए, पर वो यदि 10 साल तक किसी के साथ व्यवहार में आप बिगड़े रहे हैं तो उसको 10 महीने तो लग ही जाएंगे एश्योर करने के लिए कि नहीं आप ठीक हो रहे हैं। तो जो परिवर्तन आएंगे उस पर बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे, उसको भी आप विनम्रतापूर्वक ही लीजिए है ना, और बता सकते हैं कि हाँ कुछ कुछ सुधार। और आप बताइए कि इस प्रकार का यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का एक कोर्स मैंने किया है, उसमें अपने अपने आप का स्वयं का मूल्यांकन किया है, मूल्यांकन करने के बाद मुझे ऐसा दिखने लग गया कि मेरी कुछ कमियां हैं, मेरे में कुछ खामियां हैं, मेरे में कुछ गलतियां हैं, और आप भी करना चाहें तो आप भी करिए। तो जहां से हमारा कुछ सुधार होने की संभावनाएं हो रही है, वहां पर हमको ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को भी जोड़ना चाहिए, और जितना हमको सूचना मिली है और समझ में आया है, आचरण में आ गया है, उसके बारे में दूसरों से बात भी करनी चाहिए है ना, अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। और शिक्षक के रूप में तो मतलब हम सबकी आदत शिक्षा देने की है ही, तो उस काम को भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे छोटी सी बात और याद आ गई, इसलिए मैंने वो शेयर कर लिया। धन्यवाद भैया जी। इसमें सावधानी ये रखना होगा कि अगर हमारे आचरण में अभी जितना आया उतना ही बात रखें, ज्यादा ना रखें उसमें, नहीं तो लेक्चर और प्रवचन जो है वो तो बहुत लोग देते हैं। वो तो मैंने बताया मेरा उज्जैन का अनुभव जी। जितना हाँ, मैं दोबारा कहता हूँ, समझ में आया है, आचरण में आया है, लोग कह रहे हैं कि हाँ आपके आचरण में आ गया है,
है ना, वो उतनी ही बात करें, फिर बता दें कि साहब इतना इस कारण से हुआ है, थोड़ा सा कुछ इसके बारे में अध्ययन का काम चल रहा है, उतना बता दें, है ना। जितना कुछ आपने सीखा है उतना सबके ऊपर जो है वो उढ़ेल ना दें, इस बात का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वही हम भुगते हुए ना, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि नहीं तो काफी पिटाई होती है, और वो 4-5 साल हमारी भी हुई, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि थोड़ा उसको सावधानी रखना जरूरी है ना। लेकिन सबको स्वतंत्रता है कि पिटना चाहे तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर कर ले उसको भी जी तो ठीक है धीरेन्द्र जी, फिर हम लोग क्लोज कर सकते हैं, 5:15 बजे हम लोग की मीटिंग भी है जी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, UHV की टीम को, हमारे सभी शिक्षकगणों को, उन्होंने कुछ शायद अच्छी अच्छी बातें कुछ चैट बॉक्स में लिखी है, UHV के लिए शायद मेरे बारे में भी लिखा होगा, तो कुछ कुछ देख रहा था मैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और वास्तविकता में तो तब होगा जबकि हम लोग जो कुछ आज बातें हुई हैं उसको हम लोग आगे उस पर तीव्र गति से बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच राजू भैया, हम सभी लोग एक ही टीम है सर जी, अलग अलग नहीं, एक ही टीम सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, नमस्ते।